हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन लोग बात करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। लास्ट लेक्चर में अपन ने एल्गी देखा था, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट जो होते हैं वो फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं। एक्चुअली ये सक्सेस लैंड प्लांट नहीं होते। रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। इसी बेसिस पे ये सक्सेस नहीं हो पाते लैंड के ऊपर, ठीक है। तो इनको वाटर की रिक्वायर्ड भी होती है और ये लैंड पर भी होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी ये रह सकते हैं। तो दोनों जगह रहने के कारण क्या बोलते हैं इनको अपन लोग, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अगर क्वेश्चन आए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, तो याद रखना ब्रायोफाइट्स को अपन लोग पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा टाइप का होता है, हैप्लो डिप्लोंटिक टाइप का होता है। ब्रायोफाइटा की स्टडी क्या कहलाती है, ब्रायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। अगर हैबिटाट की बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर, तो हैबिटाट ये कूल मॉस्ट एंड सैंडी एरिया के अंदर रहते हैं, जिसको अपन सियोफाइट बोलते हैं। सियोफाइट मतलब क्या होता है, जो छायादार जगह, जो छायादार या आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। मेनली ये कैसे होते हैं, सियोफाइट ही होते हैं। प्लांट सक्सेशन ऑन रॉक्स एंड सॉइल, ठीक है। तो इसके लिए ये भी अपन लोग बोलते हैं। अगर ब्रायोफाइट्स के हैबिट की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स और एक होता है एडवांस्ड ब्रायोफाइट। प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स के अंदर बात करें तो इनका जो बॉडी होता है वो थैलस प्लस राइजोइड का बना होता है, जैसे कि अपन लिवरवर्ट्स के अंदर ये देखते हैं। वहीं अगर बात करते हैं एडवांस्ड ब्रायोफाइट के अंदर, तो जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजोइड, जिसको अपन रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनके अंदर कन्वर्ट होता है। ये लीफ लाइक है, यानी लीफ के जैसा है, लेकिन ये लीफ नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये लीफ के जैसा दिखता है बट ये एक्चुअली है नहीं। तो जो एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं वो अभी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अपन को इनके अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अभी कन्वर्ट हो रहे हैं टेडोफाइटा के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें देखने को मिलता है, स्टेम लाइक एंड रूट लाइक, जिसको अपन लोग राइजोइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉसेज, जो कि लास्ट क्लास होती है ब्रायोफाइट्स की। देन बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर अगर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, तो इसमें वाटर कंडक्शन किसके थ्रू होता है, तो आपको याद रखना है ये वाटर कंडक्शन पैरेन्काइमा के थ्रू करते हैं। इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है, इनका हैप्लॉइड यानी कि एन होता है। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट आर्किगोनियट कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आर्किगोनियट कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। देन आप लोग बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो भी आपको आना चाहिए, जो कि आगे अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए तो वेजिटेटिव या फिर एक्सेसिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है लिवरवर्ट्स के अंदर, जो कि थैलस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, टूट जाती है, जो किसके अंदर होता है, लिवरवर्ट्स के अंदर होता है। सेकंड थिंग अपन लोग बात करते हैं गेमा कप के बारे में, ठीक है। किसके अंदर, गेमा कप। ये किस में होता है, मार्केंसिया में एंड रिक्सिया में भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में केवल और केवल मार्केंसिया दे रखा है। गेमा कप बहुवचन होता है, गेमी ये एकवचन होता है। अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं अपन लोग, तो ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड होता है। ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए इसको लेकर, ठीक है। ये सारी बातें इसको लेकर आपको आने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पर, ध्यान से सुनना। ये जो गैमेटोफाइट होते हैं, इनके जो गैमेट होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एल्गी में अपन ने देखा था जैकेट उसमें नहीं थी, ठीक है, जैकेट लेस थे वो, तो इसके अंदर ये जैकेटेड होते हैं, ये भी आप याद रख लेना। वहीं अगर बात करते हैं आप लोग मार्केंसिया की, तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, दो अलग अलग दे रखा है, एक तो फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया और एक डायग्राम दे रखा है मेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैसा है, डायोसियस होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेनली अगर अपन लोग ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स देखें तो वो कैसे होते हैं, मोनोसियस होते हैं, लेकिन मार्केंसिया कैसा है, डायोसियस है। ये एक प्रकार का एक्सेप्शनल है, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि डायग्राम भी दे रखा है इसका, लेकिन अपन को बताया नहीं है। तो डायग्राम देख कर अपन लोग पता कर सकते हैं कि भैया ये डायोसियस है, क्योंकि मेल थैलस और फीमेल थैलस क्या है, अलग अलग है। क्लियर हो गया ना। अब अपन लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, किसकी बात करते हैं, इसके लाइफ साइकिल की। तो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो बात करते हैं इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है। अभी अपन ने देखा हैप्लोइड होता है, ठीक है, तो एन होता है ये, उससे क्या बनता है, गैमेटोफाइट बनता है। अब ये गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, ये मोनोसियस होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। मेनली फीचर्स कैसे होते हैं इनके, मेनली जो ब्रायोफाइट्स होता है वो कैसे होता है, मोनोसियस होता है। इसका मतलब एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अपन को देखने को मिलता है।
इनके मेन जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं अपन लोग, एंथ्रिडिया बोलते हैं, और फीमेल वाले को क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया बोलते हैं। तो इनसे जो मेल गैमेट बनता है वो क्या होता है, एंथ्रोजॉइड होते हैं, और जो फीमेल गैमेट बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एग बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये सभी के सभी कैसे हैं, ध्यान से समझना, ये सभी सभी हैप्लोइड है, ठीक है, ये भी हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड है। क्लियर हो गया? अब ये क्या होता है, इनके दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, पानी के अंदर होता है, वाटर में होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जूडियोगैमी। यानी कि जो वाटर के परजीवी में फर्टिलाइजेशन होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जूडियोगैमी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके ओके, इतना क्लियर हुआ। तो जायगोट कैसा हो गया, डिप्लोंटिक हो गया, 2N हो गया। इसके अंदर माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ये भी 2N हो गया। क्लियर हो गया? क्या बनेगा इससे, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, स्पोरोगोनियम बनता है। स्पोरोगोनियम भी कैसा होता है, 2N होता है, डिप्लोंटिक होता है। स्पोरोगोनियम से क्या बनता है, स्पोर मदर सेल बनती है। क्या बनता है, स्पोर मदर सेल। ये भी कैसे होता है, डिप्लोंटिक यानी कि 2N होता है। देन इसके अंदर ये होता है यहाँ पर मियोसिस, क्या होता है यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। इसी मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। अब आप लोग देख रहे हो जायगोट से स्पोर बनने के बीच में जो मियोसिस आ रहा है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, यानी कि तुरंत नहीं आ रहा। तभी तो आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखा है कि जायगोट के अंदर तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि तुरंत जो मियोसिस होता है वो देखने को इसके अंदर नहीं मिलता है। अब स्पोर के पास दो चांस है, ध्यान से समझना, या तो ये डायरेक्ट जर्मिनेशन करेंगे या फिर इनडायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट कौन करते हैं, तो आपको याद रखना लीवरवर्ट्स के अंदर डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है, यानी कि स्पोर से तुरंत बाद क्या बन जाता है, गेमेटोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी बन जाती है। वहीं अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट जर्मिनेशन की, तो इसके अंदर बनता है प्राइमरी प्रोटोनिमा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, समझना इसको, क्या बनते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा। अगर अपन बात करें प्राइमरी प्रोटोनिमा के फीचर्स की, तो आपको जो इसके फीचर है वो याद होने चाहिए। कैसे होते हैं, ये ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होते हैं। ग्रीन हो गया इसका मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेटिक है, क्लियर सी बात है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस करेंगे अगर ग्रीन है तो। ब्रांच्ड है, ये क्रीपिंग है, और साथ ही साथ ये क्या है, फिलामेंटस। ये चारों फीचर्स आपको प्राइमरी प्रोटोनिमा के लिए आना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं इनके अंदर लैटरल बड निकल जाती है, क्या निकलती है इसमें, लैटरल बड, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, लीफी स्टेज। तो कि किसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा को बोलते हैं। आप लोग पढ़ोगे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, क्या दे रखा है, कि जो मॉसेस होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होता है, जो कैसे होते हैं, लीफ स्टेज होते हैं। क्लियर हो गया? इसके अंदर तो मॉसेस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और लीवरवर्ट में क्या होता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन होता है। तो मैक्सिमम बातें अपन ने कर ली थी मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं यूनिक करैक्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। तो इनका यूनिक करैक्टर क्या होता है ब्रायोफाइट्स का, तो याद रखना इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है वो किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे होता है। हो सकता है वो 100% डिपेंड हो, यानी कि एज ए पैरासाइट फॉर्म के अंदर, या हो सकता है वो सेमी पैरासाइट के फॉर्म में हो, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और वो इसके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में भी डिपेंड रह सकता है। क्लियर हो गया ना? तो यूनिक करैक्टर क्या होता है, स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट के अंदर। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इनके अंदर गैमेटोफाइट ज़्यादा डेवलप है और स्पोरोफाइट कम डेवलप है। अब धीरे धीरे आगे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अपन देखेंगे, तो एंजियोस्पर्म तक जाते जाते आप देखोगे गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एकदम से रिड्यूस हो जाता है, और स्पोरोफाइट क्या हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है उनके अंदर। वहीं अगर बात करते हैं इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की, तो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से रीडिंग लगा लेना तुरंत इसको। इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि प्रिवेंशन सॉइल इरोजन, तो ये इरोजन के लिए जो सॉइल इरोजन होता है उनको ये प्रिवेंट करता है, जैसे मॉसेस हो गया, ठीक है। फूड के लिए भी अपन इसको यूज करते हैं, फ्यूल के तौर पर स्फेग्नम को अपन यूज करते हैं जिससे पीट कोयला बनता है, और पैकेजिंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो लिविंग मटेरियल होते हैं उनको अपन लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं, तो एज ए पैकेजिंग के फॉर्म में भी ब्रायोफाइटा को अपन लोग यूज करते हैं। जल को रोकने के लिए भी अपन लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पार्ट है वो क्या है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो कि बहुत कम है। देन अपन लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कितने पार्ट में होता है, दो पार्ट में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, लीवरवर्ट एंड मॉसेस। अब खास बात क्या है, लीवरवर्ट का जो राइजोइड होता है जिसको अपन रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये यूनिसेलुलर होता है और अनब्रांच्ड होता है। वहीं अगर अपन लोग देखें कि मॉसेस का जो राइजोइड होता है वो मल्टीसेलुलर होता है और साथ ही साथ वो ब्रांच्ड होता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है और आपको ये याद रखना है। लीवरवर्ट के अंदर अभी मैंने बताया कि इनका जो स्पोरोफाइट होता है
वो क्या होता है 100% पैरासाइट फॉर्म में होता है, यानी 100% गैमेटोफाइट के ऊपर ये डिपेंड रहता है। वही अगर बात करें मॉसेज जो होती है वो लास्ट क्लास होती है ब्रायोफाइटा की, तो इसके अंदर स्पोरोफाइट हल्का सा डेवलप देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म में होता है, ये सेमी पैरासाइट फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हो गया, सेमी पैरासाइट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होता है और साथ ही साथ ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड भी रहता है। देन बात करते हैं फूड सिटा और कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड सिटा कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन मॉसेस के अंदर ये फोटोसिंथेटिक होता है। क्लियर हो गया, इतना क्लियर है ना। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो स्पोरोफाइट होता है वो रिक्सिया के अंदर ओनली एंड ओनली कैप्सूल फॉर्म में होता है। वहीं अगर बात करते हैं मार्केशिया के अंदर तो ये तीनों फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन इतना दे नहीं रखा तो मैंने आपको बताया नहीं। क्लियर हो गया ना। तो इसके एग्जांपल आपको याद रखना मार्केशिया एंड रिक्सिया, मार्केशिया एंड रिक्सिया। क्लियर हो गया। देन बात करते हैं मॉसेस के अंदर, तो इसके एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम एंड स्फेग्नम, ठीक है ना। तो इसके डायग्राम जो दे रखा है स्फेग्नम का उसको याद रखना, और उसके लेबलिंग भी आपको याद रखनी है अच्छे से। देन बात करते हैं फर्स्ट क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखा गया है, तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा के अंदर देखा गया है, जो कि एक्चुअली कैसा होता है मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है ये, मल्टी सेलुलर होता है। बोलो क्लियर हो गया इतना अच्छे से एकदम से। फ्यूनेरिया का डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा NCERT के अंदर, जिसके अंदर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट अच्छे से क्लियर फॉर्म के अंदर दिखाए गए हैं, और आपको ये याद रखना है। देखो जितने भी डायग्राम है NCERT के अंदर वो सभी के सभी आपको आना चाहिए विद लेबलिंग, ठीक है ना। तो उसको आप लिख लिख के याद करो या फिर कैसे भी तैयार करो, तैयार होना जरूरी है। तो ब्रायोफाइटा अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है इतना। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा को। ये वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी PDF अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी आप वीडियो देखने के तुरंत बाद NCERT जरूर रीड करना, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।